चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। डॉक्टर ने कह दिया कि इसमें कुछ नहीं रहा, ये खत्म हो गया। मैं इनको इतना जबरदस्त चोट लगी है कि मुंह की हड्डी तक भी टूटी। तो साला जो है इतने बड़े स्तर पर बने अगर इनका समाधान हो, और नहीं एक देसी गांव पर रोक, देसी गांव पर लगा ले, जो ये वसी हैं, नस्ल है, इनसे हटाने लेनी चाहिए। ये अभी जो ये कल जो घटना हुई है, क्या हुआ था उनके साथ और उनका क्या नाम था? उनका जो हमारे छोटे भाई थे, उनका नाम था सतवीर सिंह। ये खेती करते थे और ट्वेल पे जो है पानी लगा रहे थे, तो अचानक ही आवारा पशु खेत में बिड़ा, उसको ये निकालने का, तो उसने इसको सिंह से पल टक्कर मार कर घायल कर दिया। आपको कब पता चला कि उनके साथ ये दुर्घटना हो गई है और आप फिर उस वहाँ खेत में किसने उनको उठाया? फिर भाई, उसी भाई ने हमारे अपने यहाँ गांव में टेलीफोन करा मोबाइल से, अब निकाल कर बोल रहा था वो, हॉस्पिटल ले जाते हैं तक भी बोल जाओ शामली, ले गए हम उसे करीब 1:15 बजे, हमने भर्ती करा वहाँ शामली बोरा हॉस्पिटल में, वहाँ तक भी बोल रहा था। उसके बाद उसका उपचार करते करते सीटी स्कैन होया उसका और एक्सरे होया, उस दौरान उसके फिर डॉक्टर ने कह दिया कि इसमें कुछ नहीं रहा, ये ख़त्म हो गया। खेत में गया तो वहाँ आवारा पशुओं ने इन्हें दबा लिया, और उसके बाद में इनको इतना ज़बरदस्त चोट लगी है कि मुंह की हड्डी तक भी टूटी, हाथ की हड्डी टूटी, कुल्ला टूटा, पता नहीं क्या इसकी गैल घटना हुई ऐसी। अब जो है बिल्कुल ही कितनी टक्कर उन्होंने हमारी होगी, ये देख रहे हैं आप हमारे सामने कितने बैल बैठे हैं आवारा पशु, पूरा गाँव तबाह है, इलाका भी तबाह है, क्योंकि सब रात के 2-2 बजे तक पहरा देते हैं नंबर वाइज। अब के एक बच्चा जा रहा है, फिर का दूसरा जा रहा है, कहाँ तक फसल रोकेगा? समस्या तो एक पैदा हो ही गई, जवान लड़की है, अब हम भी बीमार रहते हैं, समझ नहीं, तो परेशानी तो परिवार में हो ही गई, बहुत बड़ी परेशानी होगी। करने वाला एक ही था, अपने परिवार को चला रहा था, हम लोग अपने परिवार को देख रहे थे, वो यहाँ अपने परिवार को देख रहा था, अब बोझ पड़ गया एक तरफ से। नजर आ रहा है क्यों ये चीजें भाई? ये बहुत भारी समस्या है किसान बिरादरी के लिए, जो किसान हमारी बिरादरी है उसके लिए बहुत भारी समस्या है। मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया, गौवंश पर जो है रोक लगा दी गई, इनकी वो नहीं होने का, कटान नहीं होने का, इससे किसान 24 घंटे अपने खेत में तैनात है, जान का खतरा बना हुआ है। जिस खेत में बच जा, कुछ पशु तो आवारा पशु ऐसे हैं जो खेत में गिरोह के साथ अपना एक गिरोह बना रखा, समूह में रहें, समूह है, तो जिस खेत में बढ़ जाएं उस खेत को तो बर्बाद ही करके छोड़ दें। मुख्यमंत्री जी ने इसका या तो इन गौशाला जो है इतने बड़े स्तर पर बने अगर इनका समाधान हो, और नहीं एक देसी गांव पर रोक, देसी गांव पर लगा ले, जो ये वसी हैं, नस्ल है, इनसे हटाने लेनी चाहिए, इससे गाँव को, किसानों को बहुत भारी नुकसान होगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम लगातार हर ब्लॉक में, हर गांव में एक गौशाला बना, ऐसा कोई हो नहीं रहा, बस जो भी कहा सुया भाषणबाजी उसमें ही हो रहा, कोई कहीं कोई समाधान उसका है नहीं। यह स्थिति बिजारू वाली जो गौधन है, बहुत बड़ी विस्फोटक स्थिति है, इसका वर्णन शब्दों में नहीं करा जाता कि जितनी किसान को प्रॉब्लम है। हमारा खेत बिल्कुल गोरे में है, और जितनी आफत हमारे पे है हम ही जान सके हैं। मैं के इकला आदमी, और मैं पूरी रात खेत में रहूं, फिर दिन में सोऊं कि मैं काम करूं, बताओ आप भाई, जागतू की गुजर करनी इस स्थिति में बहुत बड़ी समस्या है।